चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। जन्म मरण सब हाथ में तेरे, जन्म मरण सब हाथ में तेरे। हे शक्ति हे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, स्वस्थ, आत्मस्थ, सेंट्रलाइज, बी लाइव, जीवंत रहे, समय के साथ साथ, क्षण के साथ साथ, अर्थात सत श्री अकाल। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, प्रकट हो रहा है, दीप की तरह खिल रहा है, फूलों की तरह बरस रहा है, वर्षा की तरह संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा शुक्रवार। ये वो शुक्रवार है जो प्रथम समय अवतरित हो रहा है इस अस्तित्व में। आज से पहले कभी भी ये शुक्रवार अवतरित नहीं हुआ। हमारे सबके लिए परम अस्तित्व की कहो, परमात्मा की कहो, परम शक्ति की कहो, जो नाम आप देना चाहो, इसकी महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। इस पृथ्वी पर अद्भुत रहस्यमय जीवन, देखो हम सब कौन है, हमारे सबके बीच क्या संबंध है, क्यों प्रातःकाल होता है। मुझे भीतर से उत्साह आता है कि चलो मैं आप तक पहुंचाऊं। आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाओ, बहिर्जगत में आप व्यस्त हो जाओ अपने काम में, इससे पहले आप कुछ स्मरण कर लो मेरे साथ, कुछ बात सुन लो, शायद आज के दिन में काम आ जाए। और मुझे चिंता भी होती है सुबह में कि कहीं आप आज का दिन चूक न जाओ। इतना सुंदर शुक्रवार जो हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा, उसे आप चूक न जाओ। ऐसी मुझे क्यों चिंता होती है, मैं कौन हूं आपका, आप मेरे कौन हो। प्रातःकाल होता है, मेरी आंखें तरसती है कि जब प्रभात की पहली किरण पूरे आकाश में छाएगी, वो वातावरण कैसा होगा। उस दर्शन के लिए आंखें तरसती है, मेरे कान तरसते हैं कि पंछियों के गीत सुनूं, जाके प्रकृति में जाके। मेरी आंखें तरसती है वृक्षों को देखने के लिए, प्राणियों को तरसने के लिए। आप तो इंसान हो,
आपके प्रति आदर हो, प्रेम हो, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन मेरे कुकलों के मुख देखने की मुझे इच्छा होती है कि मैं जाऊं, आलिशान का मुख देखूं, मेरी शरारती बेटी है खुखड़ी उसका मुख देखूं, दुर्गम का मुख देखूं, कृषि को मिलूं। ऐसा मुझे क्यों होता है? ये थोड़े मेरे बच्चे हैं, फिर भी मुझे ऐसा क्यों होता है? घोड़ों के पास जाऊं, उसके मुख देखूं, उसको चना खिलाऊं, गायों के पास जाऊं, उसे गुड़ खिलाऊं, ऐसा मुझे क्यों होता है? हम क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में? हमारे कर्मों का प्रयोजन क्या है? जो भी हम काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, मनुष्य दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, इसका प्रयोजन क्या है? हम क्या प्राप्त करने को चाहते हैं? हमें क्या चाहिए? और हम किस दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं? आज के दिन को हमने नाम दिया है शुक्रवार, जहां पर भी शब्द है समझे मन का क्षेत्र। शुक्रवार है आज, ना कोई कुकलू जानता है, न गाय, न भैंस, न घोड़ा, न हाथी, न तोता, न मैना, न चिड़िया, कोई भी नहीं जानता। यहां तक कि मनुष्य में भी ऐसे मनुष्य है, उसे पता नहीं कि आज शुक्रवार है। पूरा मनुष्य का जो जगत है, मायावी जगत समझो, मायावी, माया का अर्थ क्या होता है? मुर्गजड़ की तरह। आपने कभी देखा हो रेगिस्तान को ठीक से, उसका सौंदर्य देखा हो? रेगिस्तान में अभी आपने कभी चांदनी की रात देखी हो, बरसते हुए बादल देखे हो? रेगिस्तान, फिर भी आप उसका सौंदर्य देखो, अद्भुत सौंदर्य। रेगिस्तान कल्पना करो मात्र, रेगिस्तान और तारों भरी रात, अमास की रात, रेगिस्तान और चांदनी की रात, पूनम की रात, रेगिस्तान में मृग को जब प्यास लगती है, उसे लगता है दूर कहीं पानी है, वो दौड़ता है, इसे कहा जाता है मृग जब, और उसके पास जाता है वो पानी और आगे चला जाता है, वहां जाता है और पानी आगे चला जाता है, हाथ आता नहीं उसके हाथ में, आखिर में शरीर समाप्त हो जाता है। हमें देखना है, हम जो दौड़ रहे हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जो अभी तक हमने दौड़ लगाई, अभी तक हमने दौड़ लगाई, जितनी भी दौड़ लगाई, जितनी जितना हमारा सामर्थ्य था, हमने आज तक क्या पाया? और जो पाया उससे हम संतुष्ट है? मैं फिर से आपको स्मरण दिलाता हूं, अभी तक हम जितना दौड़े, जितना दौड़े, अभी तक हमने क्या पाया? और जो कुछ भी पाया उसके लिए हृदय में संतोष है, संतुष्टि है, तृप्ति है? आज का दिन शुक्रवार, शुक्रवार का अर्थ होता है, शुक्र का अर्थ होता है परम संपदा। अब परम संपदा किसे कहोगे? मैं व्याख्या करता हूं परम संपदा की, जो हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम कहां भी हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी स्थिति में हो, जो संपदा हमारा साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, वो सदा हमारे साथ रहती है, चाहे हमारे पास शरीर हो, चाहे शरीर ना हो, बोलो, उस संपदा को कहा जाता है परम संपदा। आज का दिन शुक्रवार, अर्थात परम संपदा के साथ जीने का दिन, परम संपदा को लौटाने का दिन। परम संपदा की व्याख्या अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा, जो बांटने से बढ़ती है,
कोई डर नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता भीतर, ना कोई भय, उत्साह रहता है। उत्साह जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है, ये इसका स्वरूप। परम संपदा आपके पास है कि नहीं, कसौटी क्या है, जितना बांटो उसको बांटने के लिए भीतर कोई डर पैदा ही नहीं होता, भय पैदा ही नहीं होता, उत्साह रहता है। मैं मेरे जीवन के अनुभव से कहूं, जो बांटने से बढ़े वही केवल परम संपदा, जो घटे, जो बांटने से घट जाए लौकिक संपदा, जिसके पीछे हम पूरा जीवन गंवा देते हैं, पूरा जीवन। कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ये साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, दौड़ते ही जाते हैं, दौड़ते ही जाते हैं। लेकिन हम भूल गए कि जो समय हमारे हाथ में है, मनुष्य भूल क्या कर रहा है। और एक अवस्था है, एक अवस्था है जिसमें हम दौड़े, ये जरूरी है, हम जानते हो न जानते हो कोई जरूरी नहीं, हमने दौड़ लगाई ठीक ही है, लेकिन आपकी दौड़ पूरी होने आई। आप वो लोग हो जो दौड़ की व्यर्थता समझने लगे, नहीं तो आप मुझे सुनते ही नहीं। आप जो मुझे सुन रहे हो, ये इस बात की निशानी है कि आपने दौड़ लगाई संसार में और व्यर्थता को जानना शुरू हो गया आपके जीवन में। ये जरूरी है, ये दौड़ भी जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है, मकान बनाना भी जरूरी है, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे भी चाहिए, लाइट बिल भरने के लिए पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, करियाना के लिए पैसे चाहिए। लेकिन यहां पर जीवन समाप्त नहीं होता, इतना मिल ही जाता है। एक भी मनुष्य के पास उतना कम धन नहीं कि वो अपने को जान न सके। आप एक कदम भी आगे न बढ़ा सको, आप अपने को जान न सको, जीवन को समझ न सको, इतना कम धन कभी भी नहीं रहता। कमी क्या है इस अस्तित्व में? इस अस्तित्व को तुम गरीब कहोगे? चलो, तुम्हारी क्या व्याख्या है अमीरी की, गरीबी की? ये परम अस्तित्व है, उसे तुम गरीब कहोगे, अमीर कहोगे, परम अमीर कहोगे, परम गरीब कहोगे। जैसे जैसे आप जानते जाओगे, हमारी डिक्शनरी के सारे शब्द कम पड़ेंगे। सूर्य की हर एक किरण नई, तुम्हें आश्चर्य नहीं होता? सूर्य में से निकलती हुई हर किरण नई, ताजी, विकासमान। हवा का हर एक झोंका नया, ताजा, विकासमान। हमारा जीवन प्रतिपल नया, ताजा, विकासमान, प्रतिपल। कमी क्या है? समझ की, दर्शन की। जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया है? चलो, ये प्रक्रिया क्या है, मैं किस लिए बोल रहा हूं, प्रयोजन क्या है, आप मुझे सुनते जाओ। आपके भीतर जो आपाधापी है विचारों की, उससे मैं एक विषय दे देता हूं। इस विषय पर वो काम करना शुरू करता है आपका मन। आपके पास मन के दो भाग है, दो छोर। एक बहिर्गामी मन है जो बाहर की दौड़ में व्यस्त रहता है, एक अंतर्गामी ऊर्ध्वगामी मन है जो आपको ऊपर की दिशा में खींचता जाता है, जो समझना चाहता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परम आनंद क्या है, परम संपदा क्या है। मेरा बोलना, प्रयोजन आपके मन को दिशा देना ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी दिशा में। और अद्भुत समय, प्रातः काल का अद्भुत समय। आज भी मैं सब शिष्यों को लेकर नृत्य मंदिर में आ गया, योग मंदिर में आ गया कि चलो हम बाहर ही बैठते हैं धरती माता की गोद में, और ऊपर अनंत आकाश, सूर्य का प्रकाश, नेचुरल लाइट, प्राकृतिक लाइट, जो शहरों में अब मुश्किल होता जा रहा है, प्राकृतिक लाइट को
प्राप्त करना, चंद्रमा को देखना, तारों भरी रातों को देखना, आकाश को देखना, धरती माता को देखना मुश्किल हो रहा है, मैं सब शिष्य को ले आया कि चलो आज भी हम बैठ सकते हैं, मैं मेरी दिव्य वाणी प्रकट करूंगा खुले आकाश के नीचे, धरती माता की गोद में, प्रकृति में। बहुत मदद रूप है प्रकृति, बहुत मदद रूप। तुम्हें विस्तार मिल जाता है, तुम्हें विस्तार, इसके कारण तुम्हारा मन विलीन हो जाता है। तुम्हें हर समय हर क्षण हवा का नया झोंका छूता है, हवा का नया झोंका। तुम्हारे पूरे शरीर पर प्रतिपल सूर्य की नई ताजी केसरी पीले रंग की किरणें तुम्हारा शरीर छूती है। ये अद्भुत किरणें है, अद्भुत किरणें, जहां पर सूर्य का प्रकाश केसरी है, येलो है, और तुम पूरी प्रकृति का अस्तित्व का दर्शन करते हो। आपका संपर्क अपने आप होने लगता है ज्योतिर्मय जगत के साथ। जो उत्सुक है ज्योतिर्मय जगत आपको उठाने के लिए उत्सुक है, ऐसा नहीं कि उसे पड़ी ही नहीं, उसे पड़ी न होती हमारा जीवन संभव नहीं। हमारा जीवन इसीलिए संभव है, कोई हमें संभाल रहा है। हम नाम दे उसे, परमात्मा कहे, परम अस्तित्व कहे, परम शक्ति कहे, समझने के लिए। लेकिन जब आप स्वयं अनुभव करते हो कि हाँ कोई तो है जो हमें संभाल रहा है प्रतिपल, ज्योतिर्मय जगत का संपर्क, आपके शरीर की स्थिरता, जो मैं कहता हूं प्रातः काल में एक क्षण के लिए भी शरीर को स्थिर कर दो, एक क्षण के लिए भी, बाकी का काम ज्योतिर्मय जगत करेगा। आपको जो करना है अपनी ओर से प्रातः काल में एक क्षण के लिए भी स्थिरता, व्यवस्थित आपकी रीढ़ खींची हुई तनी हुई, आपका चेहरा सीधा और सक्यतम शांत बैठक, सक्यतम शांत, ताकि आप अपने भीतर प्रविष्ट हो सको। अपने अंतर जगत में प्रविष्ट होने की विधि, किस तरह से भीतर के द्वार खोले जाते हैं, इसकी विधि प्रातः काल में एक क्षण के लिए भी शांत बैठक और ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क शुरू। उसका संपर्क तो है ही है, प्रतिपल है, प्रतिपल हर एक के साथ, चाहे तुम प्राणी हो, पंछी हो, मनुष्य हो, वृक्ष हो, कीटक हो, सबके साथ ज्योतिर्मय जगत का संपर्क। और आज शुक्रवार भी, नवरात्रि भी, नवरात्रि अर्थात आपको स्मरण दिलाऊं, रात्रि जागरण। चलो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं। जिस निद्रा में से आप बाहर आए, जिस निद्रा में आप प्रविष्ट हुए कल रात, कौन सा स्वप्न प्रथम स्वप्न था? जब आप निद्रा में से बाहर आए आज सुबह में, कौन सा स्वप्न अंतिम स्वप्न था? खाली मुझे सुने, क्या रात्रि जागरण जड़ता है? ठीक से समझना, आप वो लोग हो जो अविरत काम करोगे रात्रि जागरण पर, ऐसा नहीं कि खाली नवरात्रि के नौ दिन। आप वो लोग हो कि श्राद्ध पूरा हो गया तो आप मृत्यु का स्मरण भुलाओगे नहीं, डरोगे नहीं, आप समझना शुरू करोगे कि ये है क्या, और मैं आपको बताता जाऊंगा। जब आप उठे आज सुबह, आप कितने फ्रेश थे? आपके भीतर उत्साह था आज के दिन को प्राप्त करने का, या डलनेस थी स्मरण करे खाली? ये प्रश्नों के जवाब किसी को देने के लिए नहीं है, ये आपकी समझ बढ़ाने के लिए है। समझ, रात्रि जागरण की समझ, रात्रि जागरण का उद्देश्य समझो। रात्रि जागरण का उद्देश्य
अमरत्व की समझ। चलो आप मुझे पूछो, मैं कहूंगा अमरत्व की दिशा में कदम उठाने की प्रक्रिया रात्रि जागरण। आज किस तरह से, किस तरह के स्वप्न आपने देखे, स्मरण करें। कोई जोर नहीं देना है, कोई टेंशन नहीं। याद आया याद आया, याद नहीं आया नहीं आया। खाली सुने आपने किस तरह के स्वप्न देखे, कामुकता सबर, सेक्सी स्वप्न, हिंसा के स्वप्न, डरावने स्वप्न, भूत प्रेत, ऐसे स्वप्न देखे जिसपे आपके जो रिलेटिव्स अब इस पृथ्वी पर न रहे उसके साथ बातचीत, उसका दर्शन। स्वप्न में आपने तारों भरी रात देखी, चंद्र का प्रकाश देखा, रंगीन स्वप्न देखी या ब्लैक एंड व्हाइट, आपके स्वप्न के रंग कैसे थे, नाचता हुआ मयूर, तैरते हुए हंस, लहराता हुआ सागर, बहती हुई नदी, घासों से भरा जंगल, मैदान, गुरु की आकृति का दर्शन, देव की आकृति का दर्शन, स्मरण करो। किस तरह के स्वप्न देखे, रात में कितनी बार आपने करवटें बदली, स्मरण करें। कौन सी करवट पर आप निद्रा में प्रविष्ट हुए रात को, जब जागे कौन सी करवट थी, जागने के बाद आपने बिस्तर का दर्शन किया, मैं सदा आपको स्मरण दिलाऊंगा, सदा। जब आप बिस्तर से जागे, आपने अपने बिस्तर का दर्शन किया, आपका पिलो, आपकी ओढ़ने की चादर, ब्लैंकेट, किस अवस्था में थे जब आप जागे, आप उसे महत्व दो न दो, मैं आपको ये बात स्मरण दिलाऊंगा। इसके साथ बहुत से अद्भुत रहस्य है। निद्रा में हमारी शक्ति का परिवर्तन होता है, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। निद्रा है किस लिए? जो काम शरीर जब हम जागते हैं तब नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतनी दौड़ में लगे हुए हैं कि शरीर की सारी शक्ति उसमें लगानी है, उसे बहुत कुछ अंदर के फंक्शन है। समझ लो अपने आप ब्लड बनता है। चलो हम तो भोजन लेते हैं, हम कहां ब्लड बनाते हैं, हमारे भीतर प्रतिकारक शक्ति है, हमारे भीतर प्रतिकारक शक्ति है, प्रतिपल हमारे भीतर हमारा शरीर अनेक सूक्ष्म जीवों से लड़ता है, हमें पता भी नहीं, दंगा मचा ही रहता है हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों के साथ, हमारी लड़ाई चलती ही रहती है, हमें क्या पता है हमारे शरीर के बारे में। हम भोजन ले लेते हैं, चलो मल का बनना, मूत्र का बनना, पसीना का बनना, काम के रसायनों का प्रकट होना, क्या ये सब हम करते हैं? शरीर के किस कोने में कितने प्रोटीन की जरूरत है, कहां कैल्शियम की जरूरत है, कहां कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, ये सब हम करते हैं? सोचो ये कब व्यवस्थित होता है, जो हम गड़बड़ करते हैं, अस्त व्यस्त खाटते हैं, अंट संट खाते हैं, शरीर को हर एक चीज को व्यवस्थित करना पड़ता है, हर एक चीज को वो सक्यतम प्रयत्न करता है प्रतिपल। एक दिन में गड़बड़ नहीं होती, मैं तुम्हें यहां तक कहूं, एक दिन में तुम्हें जुकाम नहीं होता। जुकाम प्रकट होने के लिए एटलीस्ट 3 दिन चाहिए, 72 आवर्स। आप मानो न मानो मेरी बात, मैं आपको कह दूं, अभ्यास करना है। अगर आपको जुकाम जैसी प्राइमरी बीमारी, अगर प्राइमरी बीमारी पर आप ध्यान देना शुरू करोगे, अपने आप आपका स्वास्थ्य, अद्भुत स्वास्थ्य आप प्राप्त कर सकते हो। प्राइमरी बीमारी हेडेक, क्यों हेडेक होता है, चलो आपके पास क्या समझ है हेडेक की, मैं आपको सिंपल कह दूं, आपके पेट का वातावरण एसिडिक है,
पेट में जो एसिड है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसके कारण हेडेक होता है। और आखिर में यहां तक अगर हमने संभाला नहीं, बुखार शुरू होता है, भीतर से शरीर संकेत देता है कि अब शरीर को रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट को जरूरत है। ये महाकला है, शरीर सब कुछ कहता है, शरीर सब कुछ कहता है। शरीर कह देता है आज मुझे स्वीट की जरूरत है, शरीर कहता है, और उसकी व्यवस्था अपने आप आ जाती है। मैं तुम्हें एक मेरा उदाहरण कहूं, मानना मत लेकिन सुन लो। मैं एक समय एक आश्रम में भोजन ले रहा था और मेरे भीतर मुझे शुगर की बहुत ही जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। ऐसा नहीं कि मेरा मन हैबिचुअल है और लड्डू के लिए तरसता है, ऐसा नहीं। इतनी मेरे भीतर शुगर कम हो गई थी कि मुझे भीतर से एक प्रकार के लड्डू खाने की इच्छा हो रही थी कि ऐसा लड्डू, यहां तक मैं आपको बता दूं जो मुझे स्मरण है अनुभव, कि इसमें कोकोनट होना चाहिए और गुड़ और साकर दोनों से बनाया हुआ लड्डू होना चाहिए। ये मेरे भीतर से जो आ रहा था और जो स्मरण है मैं आपको कहूं। लेकिन लड्डू की जब भोजन ले रहा हूं मैं, भोजन में नहीं था, स्वीट नहीं थी। अब क्या होता है, एक हाथ आता है, एक हाथ, इसके हाथ में लड्डू है। मैंने देखा नहीं, मैं आगे आपको बताता हूं कि ऐसे जो अनुभव है इसमें जिज्ञासा निकाल दो कि ये किसका हाथ है, कौन मुझे लड्डू दे रहा है, जिज्ञासा निकाल दो। ये तुम बाहर से नहीं समझ सकते इस विज्ञान को। यहां तक जो भूत प्रेत के अनुभव है उसके बारे में भी बताऊंगा, जिज्ञासा निकाल दो, तुम स्वस्थ हो जाओ, शांत, अपने आप तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एक हाथ आया, उसके हाथ में लड्डू है, लड्डू देखते ही मुझे पता चल गया कि बस ये लड्डू मुझे, मैं चाहता था, और मैंने एक एक को और प्रेम से उस प्रसाद को स्वीकार किया। चलो इस घटना को तुम क्या कहोगे। मैं यहां तक तुम्हें कहता हूं, समझ लो कि तुम्हारा एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति कहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, माँ, पिता, पति, बच्चे कहीं है, तकलीफ में है, जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार हृदय से, तकलीफ में है, लेकिन तुम्हारी ऐसी मजबूरी है कि तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते और तुम्हें मदद चाहिए कि इसको किस तरह से मैं मदद कर सकूं। और ये प्रक्रिया प्रातःकाल, जब भी हम बैठे हैं, ये कहने का प्रयोजन, प्रातःकाल का अद्भुत समय, तुम्हें जहां जिसे मदद पहुंचानी है तुम खाली भाव करो। इससे पहले एक बात मैं समझाऊं, यू ऑल आर, जो आप मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो, माय रिसीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टावर, ठीक से समझना, आप सब मेरे, विज्ञान की भाषा में कहूं तो आप मेरे रिसीविंग टावर भी हो, डिस्ट्रीब्यूटिंग टावर भी हो। इस पृथ्वी पर आपकी फ्रीक्वेंसी के अनेक लोग हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी के इस पृथ्वी पर अनेक लोग हैं। आप मुझे समझते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, आपकी स्थिर शांत बैठक, आपके भीतर से तरंग का प्रकार बदल रहा है, आपके भीतर से आत्मिक तरंगों की शक्ति बढ़ रही है, वो फैलती है अस्तित्व में। और आपकी फ्रीक्वेंसी के जितने भी लोग हैं उसके ऊपर आपकी शांत बैठक का असर होगा। धीरे धीरे आप देखते जाओ, इस पृथ्वी पर जहां जहां जो लोग हैं आपकी फ्रीक्वेंसी के, आप शांत बैठ गए, आप मुझे सुन रहे हो, और मैं जितना संभव है एटलीस्ट 45 मिनट्स टू वन आवर मैं आपको बिठा के रखूंगा मेरे पास। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आई एम इंट्रोड्यूसिंग द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, उसे असर होने लगेगी जो आपकी फ्रीक्वेंसी के लोग हैं। समझ लो वो कहीं यहां अस्त व्यस्त कुछ काम कर रहा है सुबह में, उसे प्रेरणा आएगी कि ना थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, ये काम बाद में करते हैं, ये प्रेरणा खींचेगी उसे।
अब आप समझो कि आप किसी को मदद करना चाहते हो, लेकिन आप मजबूर स्थिति में हो। भीतर से ठीक से जितनी प्रगाट आपकी मदद की इच्छा, ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर नहीं, क्यूरियोसिटी काम नहीं करेगी, लेकिन सच में आपको मदद करने की इच्छा है। अपने आप, आपकी ये भावना है, किसी को छुएगी, किसी को छुएगी, और ये मदद वो व्यक्ति करेगा आपके बदले, उसे मदद मिल जाएगी। मैं पूरी व्यवस्था बताता हूं इस जगत की, सूक्ष्म व्यवस्था किस तरह से है, इसका संचालन ज्योतिर्मय जगत से, पूरा का पूरा संचालन ज्योतिर्मय जगत से। किसी भी प्राणी को आपको मदद करने की इच्छा है, मनुष्य को मदद करने की इच्छा है, वृक्ष को मदद करने की इच्छा है, कीटक को मदद करने की इच्छा है, लेकिन रियल किस लिए बात कह रहा हूं? आप परम संपदा का प्रारंभ कहां से करोगे समझने का कि परम संपदा है क्या? मैं कहता हूं प्रेम। परम संपदा का, जिस तरह से हीरा माणिक मोती लौकिक संपदा, रुपया पैसा फ्लैट बंगला गाड़ी स्थावर मिलकत, इसी तरह से लोक अलौकिक संपदा जो प्रारंभ होती है प्रेम से। चलो इस जगत में एक मनुष्य आप ऐसा मुझे बताओ कि जिसे प्रेम का अनुभव न हो, कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि उसका ध्यान ही कभी नहीं गया। हम प्रेम को क्या मानते हैं? हमने प्रेम को इतना सीमित कर दिया, आई लव यू, प्रेम इतना ही है। क्या प्रेम एक ही व्यक्ति के प्रति रहता है? प्रेम विकासमान है। जैसे जैसे आप समझते जाओगे आपके प्रेम को, चाहे वो आई लव यू क्यों ना हो, ठीक से अनुभूति करते जाए। जिस व्यक्ति पर आपको प्रेम है, प्राणी के प्रति प्रेम है, पंछी के प्रति प्रेम है, लेकिन रियल आपके भीतर से प्रेम की भावना। मैं रात को बिस्तर में होता हूं और कुकलू बाहर भौंकते हैं तो मुझे सबकी याद आती है। मैं कैसे उसे मिलता हूं, मैं तुम्हें बताऊं। आली छान छे छे कुखड़ी पल भचे छे पूंछकला हलावे छे, मैं मेरे बिस्तर पर हूं और उसके प्रति वो भौंकते हैं। देखो कैसी अद्भुत कुदरत। कभी हमें लगता है कि ये अस्तित्व थोड़ा क्रैक होगा। कुकलू, मैं उसे डॉगी नहीं कहूंगा क्योंकि डॉगी से आप परिचित हो, आप कुकलू शब्द से परिचित नहीं। आप डॉगी बोल के हृदय में देखो प्रेम, कुकलू बोल के हृदय में प्रेम देखो, तो मुझे प्रेम आता है। पहले मेरी ऐसी शरीर की स्थिति थी कि रात को भी मेरा आराम पूरा जाए तो हो जाए तो मैं घूमने निकलता था। जंगल के कुकलू भौंकते हैं मुझे दूर से, मैं सबको बुलाता था नाम से, उसे तुरंत पता चल जाता था कि ये मैं हूं। सारे के सारे मेरे आसपास इकट्ठे हो जाते थे रात को, मैं उसकी फ्रेशनेस देखो। अभी वो सोए हुए है ना, उन लोगों ने चाय पी है, फिर भी उसकी फ्रेशनेस, वो सब मेरे साथ घूमने चलते थे। रियल प्रेम आपकी तरंगे पहुंच जाएगी, क्योंकि आज शुक्रवार। क्या पूरा शुक्रवार हम प्रेम के साथ नहीं जी सकते? आप कभी प्रयत्न किया है आपने कि आज का दिन हम प्रेम में स्थिति में बिताएंगे, पूरा दिन हर पल, और देखो कि प्रेम आपका घट जाता है, कि बहुत प्रेम किया आप तो थक गए, थक जाएगा आपका मन, उब जाएगा आपका मन। आत्मा कभी उबती नहीं, समझना, आत्मा का लक्षण स्वभाव, आत्मा कभी भी उबती नहीं, न आत्मा थकती है। शरीर थक जाता है, मन भी थक जाता है, उब जाता है, लेकिन आत्मा थकती नहीं, उबती नहीं। ये उसकी किरणें है। क्या मैंने कल प्रेम किया था, वही प्रेम मैं आज करूंगा? आप भी समझते हो इसका जवाब। प्रेम प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। पहले हम स्मरण करते हैं परम संपदा का, प्रार्थना के माध्यम से इसका विज्ञान भी हम समझते हैं। इस वातावरण में अनेक प्रकार की तरंगे हैं, अनेक प्रकार की, स्वस्थ भी अस्वस्थ भी,
क्रोध की तरंग भी है, घृणा की है, ईर्ष्या की है, कामवासना की है, प्रेम की है, उदारता की है, ध्यान की है, समझ की है। धीरे धीरे समझते हैं हम, पहले हम अनुभव करते हैं। शुक्रवार का स्वागत भी बाद में करेंगे, पहले हम प्राप्त करते हैं परम सबदा। इस प्रार्थना को मैं नाम देता हूं विकास प्रार्थना। क्या ये मैंने खोजी? आप ऐसा मानते हो कि ये मैंने खोजी? जैसे जैसे आप समझते जाओगे आपको पता चलेगा वातावरण में सब कुछ है, प्रकट होता है, आपके शरीर के माध्यम से प्रकट होता है। मैं पूरा प्रयोग आपको समझाता जाऊंगा, मेरा आना, आपके समक्ष बैठना, मेरा बोलना। अनुभव करो आज की विकास प्रार्थना। आत्मिक सद्गुणों के विकास की प्रार्थना। जैसे जैसे आपकी आत्मा प्रकट होती है, ये सारी किरणें हैं, ये सारी किरणें हैं जो आप देखोगे अपने जीवन में। किरणें आने लगी, जिस तरह से सूर्य प्रकट होता है, उसकी किरणें फैलने लगती है, इसी तरह से जैसे आपकी आत्मिक शक्ति प्रकट होने लगती है। सबके भीतर आत्मिक शक्ति है, प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यही उसका प्रकाश है। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। पहले हम स्मरण करते हैं, प्रक्रिया को समझना, आत्मा के साथ संपर्क करने की विधि, विकास प्रार्थना। हम जोड़ते हैं शुक्रवार के साथ परम संपदा की प्रार्थना को अनुभव करें। इसके लिए आदर्श स्थिति, चाहे आप खड़े हो, बैठे हो, लेकिन अगर बैठे हो, आपकी रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, आंखें हल्की सी बंद, उतरे आपके भीतर। दिस इज नॉट द मैकेनिकल प्रोसेस। आप जितने जीवंत, ये कल नहीं मिलेगी, ये संपदा नेक्स्ट क्षण भी नहीं मिलेगी, अगर मिली अभी, आज, अभी, यहां। चलो प्रयोग में उतरते हैं, इस जगत में इस प्रार्थना की शक्ति को फैलाते हैं। अनुभव करें प्रगाढ़ता के साथ। हमारा प्रेम सदा विकासमान हो, हमारा प्रेम सदा विकासमान हो, हमारी मित्रता सदा विकासमान हो, हमारी मित्रता सदा विकासमान हो, हमारी करुणा सदा विकासमान हो, हमारी करुणा सदा विकासमान हो, हमारा आनंद सदा विकासमान हो, हमारा आनंद सदा विकासमान हो, हमारा उल्लास सदा विकासमान हो, हमारा उल्लास सदा विकासमान हो, हमारी प्रसन्नता सदा विकासमान हो, हमारी प्रसन्नता सदा विकासमान हो, हमारा स्वास्थ्य सदा विकासमान हो, हमारा स्वास्थ्य सदा विकासमान हो, हमारी शांति सदा विकासमान हो, हमारी शांति सदा विकासमान हो, हमारी स्पष्टता सदा विकासमान हो, हमारी स्पष्टता सदा विकासमान हो, हमारी तेजस्विता सदा विकासमान हो, हमारी तेजस्विता सदा विकासमान हो, हमारी सरलता सदा विकासमान हो, हमारी सरलता सदा विकासमान हो, हमारी सहजता सदा विकासमान हो, हमारी सहजता सदा विकासमान हो, हमारी मौलिकता सदा विकासमान हो, हमारी मौलिकता सदा विकासमान हो, हमारा धैर्य सदा विकासमान हो, हमारा धैर्य सदा विकासमान हो, हमारी सहनशीलता सदा विकासमान हो, हमारी सहनशीलता सदा विकासमान हो, हमारी उदारता सदा विकासमान हो, हमारी उदारता सदा विकासमान हो, हमारी निर्भयता सदा विकासमान हो, हमारी निर्भयता सदा विकासमान हो, हमारा ध्यान सदा विकासमान हो, हमारा ध्यान सदा विकासमान हो, हमारी प्रार्थना सदा विकासमान हो, हमारी प्रार्थना सदा विकासमान हो, हमारी समझ सदा विकासमान हो, हमारी समझ सदा विकासमान हो, हमारा जीवन सदा विकासमान हो, हमारा जीवन सदा विकासमान हो, हमारी मृत्यु सदा विकासमान हो, हमारी मृत्यु सदा विकासमान हो, हमारा धर्म सदा विकासमान हो, हमारा धर्म सदा विकासमान हो। आंखें खोलना मत, बंद रखे, आपके मुख से विकास प्रार्थना, आपके मुख से जो शब्द प्रकट हुए उसका असर
विकास प्रार्थना का असर प्राप्त करे, इसलिए मैं आंखें बंद करवा रहा हूं ताकि प्रार्थना की शक्ति को फैलने दो, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। पवित्रता, प्रार्थना का उद्देश्य समझना, जब भी प्रार्थना आपके कान पर पड़े शब्द उसके साथ जोड़ो शुद्धि, पवित्रता पूरे शरीर में फैलने दो उसे। ये प्रक्रिया आपके मन को शांत करती है, अनुभव करें, मन का उपद्रव शांत हो जाता है। अब आपके मन की एक्सरसाइज, इस प्रार्थना में मैं ऐसा कहता हूं, हमारा मृत्यु सदा विकासमान हो, आपकी क्या समझ है? इस पंक्ति के लिए आपकी क्या समझ है? मैं ऐसा कहता हूं हमारा जीवन विकासमान हो, ये बात तो ठीक आप समझ सकोगे, लेकिन मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि हमारी मृत्यु विकासमान हो? मैं आपको पूछता हूं प्रश्न, आप संतुष्ट हो जो मनुष्य की अंतिम अवस्था है? अंतिम अवस्था शरीर का मृत्यु, हमारे शरीर का मृत्यु कैसा हो गया आप दर्शन करो। जब भी आपको मौका मिले मृत्यु का, मैं आपको दृष्टिकोण देता हूं, आप भागना नहीं, पूरा का पूरा जितना आप देख सको मृत्यु की सारी विधि सब कुछ देखना आप मृत्यु का। हमारा मृत्यु कैसा हो गया? हमारा मृत्यु गरीब हो गया, गरीब। हमारा मृत्यु डर से भरा हुआ, भय से भरा हुआ, रोक अकड़ चल रही है, हताशा निराशा जो दबाया हुआ है भीतर, उस दिन सब बाहर आता है। उस दिन ठीक से समझना इस बात को, हमारी समझ नहीं। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां होने के बाद भी सुशिक्षित लोगों में भी समझ नहीं कि मृत्यु के बारे में हम क्या जानते हैं। कितनी समझ है हमारे पास मृत्यु की? ये त्योहार ऐसे ही नहीं दिया गया, इसलिए मैं प्रश्न पूछता हूं, आप निद्रा से डरते हो? ये पूछता रहूंगा आपको, आप मृत्यु से डरते हो? मृत्यु का डर अज्ञान है, ना समझी है। ये पूरा का पूरा त्योहार रात्रि जागरण का मृत्यु को पार करने की प्रक्रिया है, मृत्यु को पार करने की समझ है कि धीरे धीरे मनुष्य को इसके बारे में समझ दी जाए। धीरे धीरे मनुष्य साल में एक बार भी नवरात्रि करेगा, धीरे 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 इसकी समझ बढ़ेगी। मृत्यु भी विकासमान है, अगर आपका जीवन विकासमान है आपका मृत्यु भी विकासमान है। जीवन के विकास को ठीक से समझना, आज अभी यहां, कल पर अगर आपने जीवन टाला, शांति आपको कल नहीं मिलेगी, ना बुद्धत्व आपको कल मिलेगा, ना ज्ञान आपको कल मिलेगा, अगर मिलेगा तो आज अभी यहां। और जैसे जैसे आप आज को समझते जाओगे, अभी को समझते जाओगे, यहां को समझते जाओगे, ये कला की निपुणता है, क्षण के साथ बहना, जरा आप करके देखना। एक भी विचार के बिना जीना संभव है? पहले तो लगेगा कि ये संभव ही नहीं, विचार के बिना जीना संभव ही नहीं, आदत संभव है। दर्शन के साथ जीना, जैसे दर्शन की शक्ति बढ़ती है आपके भीतर, मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। जैसे जैसे मन विलीन होने लगता है, समझो जो भय है वो है क्या? चलो, भय जिसे हम कहते हैं, चिंता कहते हैं, क्या है? क्या ये आत्मा का क्षेत्र है? आप ऐसा समझते हो? क्या ये शरीर का क्षेत्र है? पता कैसे चलता है कि हम भय में है चिंता में है? विचार से। इस तरह के विचार आते हैं कि आपके आंख के समक्ष अंधेरा छा जाता है, ये भी जरूरी है, लेकिन यहां पर जीवन समाप्त नहीं होता।
जैसे जैसे आप जीवन को समझते जाओगे आपका मन शांत होता जाएगा, जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा आप जीवन को समझते जाओगे, विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। और जैसे जैसे आपका मन विलीन होता जाएगा आपके जीवन से समस्याएं समाप्त। आप ठीक से देखो आपकी उम्र, आज तक आपने कितनी समस्याएं सॉल्व की जीवन की, क्या उस स्थिति पर आप आ गए कि अब आपके जीवन में एक भी समस्या न रही? ठीक से देखो, आप उस स्थिति आपने प्राप्त कर ली कि अब जीवन में एक भी समस्या न रही? अगर ये स्थिति आपने प्राप्त कर ली, मेरा साष्टांग दंडवत, मैं करूं ना करूं मेरा साष्टांग दंडवत ही होगा, क्योंकि ये तो मनुष्य की चरम सीमा हो गई। यहां पर आप पहुंच गए, आपने पार कर लिया, मनुष्य की जीवन की यात्रा को आपने समझ लिया। मनुष्य की यात्रा ठीक से देखे, ठीक से आप अपनी भी यात्रा देखे, आप जहां रहते हो अपने चारों ओर मनुष्य का जीवन देखे, समस्या में उलझा हुआ। जैसे जैसे आपका मन आप समझते जाओगे, सारी की सारी समस्याओं की जड़ आपका मन, सारी समस्याओं की जड़ आपका मन, जैसे वो शांत होने लगता है समस्या भी विलीन हो जाती है, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। मन के विलीन होने के साथ साथ जीवन की चिंता समाप्त हो जाती है। ये तो थियरी हुई, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? जब भी चिंता प्रकट हो उसे ठीक से देखें। मैं कई बार आपके समक्ष ये बात कहूंगा, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर की संवेदना का दर्शन करें, अनुभूति करें, आपकी भाव दशा का दर्शन करें, अनुभूति करें, आपके मन को देखे, अनुभव करे। अनेक बार कहूंगा ये बात, चिंता को पूरा देखो, चिंता को पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक कभी अनुभव करो कि 8 और 5 चिंता शुरू हुई, अब मैं देखता हूं कब तक ये चिंता ठहरती है। अगर आपके पास देखने की शक्ति है, क्षमता है, चिंता तुरंत विलीन हो जाती है, तुरंत। लेकिन ये आपकी तीसरी आंख की शक्ति पर है, जो मैं मृत्यु का उल्लेख करता हूं इसलिए कर रहा हूं। अभी इसका संबंध नवरात्रि के जागरण के साथ, उद्देश्य ये है ये पर्व देने का कि जिस दिन आपने निद्रा पार की, इंसोनेमिया नहीं और निद्रा नहीं, अनिद्रा तो आपको बेचैन कर देगी, अनिद्रा आपको बेचैन कर देगी, आपके मुख का तेज चला जाएगा, अनिद्रा में आपके मुख का तेज चला जाएगा, आपका शरीर डल हो जाएगा, निस्तेज, मुर्दा। निद्रा को पार करना अर्थात निद्रा समाधि स्थिति, आपकी निद्रा ही समाधि हो गई और उसका संबंध आपके पूरे दिन की दिनचर्या पर, आपके भोजन पर, कि रात को आपने किस तरह से भोजन लिया, सुबह में किस तरह से भोजन लिया, कितनी शांति से भोजन लिया। अगर ठीक से आपने शांति से भोजन लिया, वहां ही सारे विचार समाप्त हो जाएंगे, वहां ही सारे विचार, आपका मन शांत हो जाएगा। भोजन की शांत प्रक्रिया से आपका मन भी शांत हो जाएगा और आप वही भोजन लोगे जो आपके शरीर की जरूरियात है। आप बीच में से निकल गए, स्वाद आपको आकर्षित नहीं कर सकता, खाली शांति से भोजन लेना दिव्य कला, करके देखे आप कितनी शांति से भोजन ले सकते हो। इसके साथ आपको दर्शन करना है आपका मूड भाव, जो भाव आप भोजन के दरमियान जो मूड है उसका असर, जब तक वो भोजन तुम्हारे भीतर डाइजेस्ट होगा वो भाव भाव शरीर में रहेगा। खाली तुम शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर, भाव शरीर भी तुम्हारे साथ साथ। जितनी आपकी दिनचर्या में आपकी जागृति, चाहे आप सब्जी काट रहे हो, चाहे आप चल के दफ्तर जा रहे हो, कार चला रहे हो, जो भी कर रहे हो प्रक्रिया, लेटरिन बाथरूम साफ कर रहे हो,
रूम साफ कर रहे हो, आवाज साफ कर रहे हो, आपकी अलमारी साफ कर रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, छोटी छोटी हर प्रक्रिया, आप ब्रश कर रहे हो, नैपकिन से अपना मुंह पोंछ रहे हो, टॉवेल से अपना बॉडी पोंछ रहे हो स्नान के बाद, छोटी छोटी प्रक्रिया में आपको देखना है जागृति। कहां पर हम खो जाते हैं, विचार में, स्वप्न में, देखना है मात्र, देखना है आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप अपना अभ्यास करना शुरू करो और तब आपकी निद्रा जागृति सबर, निद्रा भी है, शरीर की जरूरियात है, जिस तरह से भोजन जरूरियात है, लेकिन जब आप निकल जाते हो आपके भोजन से, आपकी इच्छा न रही, अब भोजन में देख लिया, भोजन को सारे स्वाद ले लिए, मैं आपको बताता हूं दिव्य कला, आप शांति से भोजन करना शुरू करो, क्योंकि भोजन नींव है पूरे जीवन को जानने की, समझने की, जीवन का रस पीने की। क्यों मनुष्य डर रहा है मृत्यु से? क्योंकि जब जीवन का मौका हाथ में था, तुम जिए कब? चलो तुम जिए कब? तुमने सच में जीवन को जिया कब? और अगर तुम जीते हो ठीक से तो तुम्हें मृत्यु का डर नहीं लगेगा। क्योंकि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, अगर वो मिल ही गया फिर डर क्या? अगर वो मिल ही गया जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, डर किस लिए है हमारा? कि हमारे पास सब कुछ पराया है, यहां तक कि हमारा शरीर हमारा नहीं है। अगर हमारा शरीर हमारा होता तो मृत्यु के बाद ये शरीर में मेरे साथ ले जा सकता, ये शरीर हमारा कहां है? माता पिता की भेंट है, जो तुम मृत्यु के बाद साथ में नहीं ले जा सकते, वो तुम्हारा नहीं। मृत्यु तुम्हें दिखा देगी तुम्हारा क्या है। अभ्यास कैसे करोगे तुम्हारा क्या है? चलो निद्रा में तुम क्या साथ में ले जा सकते हो? तुम रोज निद्रा में जाते हो, तुम निद्रा में तुम्हारे साथ कौन आता है? तुम जिसे अपना कहते हो वो कौन तुम्हारे निद्रा में तुम्हारे साथ आता है? न कोई संपदा साथ में आती है निद्रा में, न कोई साथ साथ में आता है, सब विस्मृत हो जाता है निद्रा में। सेम मृत्यु में सब विस्मृत हो जाएगा। पूरे पर्व का विज्ञान समझना। नवरात्रि का आज छठा दिन समझते जाओ नवरात्रि को, और ये सीमित त्योहार नहीं, इसका असर आपके सारे जीवन पर, सारे जीवन पर। सुखद निद्रा की प्राप्ति, कि आराम हो गया उसके बाद फ्रेशनेस, फिर लुटाओ अपने आप को, फिर लुटाओ कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा, किसी को मदद करके। जीवन का परम अवसर हमारे हाथ में। अब हम स्वागत करेंगे नए ताजे शुक्रवार का। स्वागत प्रार्थना, अज्ञात के साथ संपर्क बनाने की प्रक्रिया। आप मानो न मानो, जब मैं कहता हूं हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, क्या तुम ये मानते हो कि हमारा और सूर्य के बीच कोई संबंध नहीं? मैं तुम्हें ये कहूंगा, हमारा प्रागट्य सूर्य से है, हम प्रगट होते हैं सूर्य से। जैसे तुम कहोगे हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, तुम्हारा संबंध नई ताजी हवा के साथ, प्रतिपल प्रगट होता हुआ नया ताजा जीवन, उसके साथ संपर्क बनाने की प्रक्रिया। स्वागत प्रार्थना, इतनी समझ के साथ आज के स्वागत प्रार्थना में उतरो, नए शुक्रवार को प्राप्त करो। और इसके लिए आपका खड़ा रहना जरूरी है। अगर आपकी शरीर की स्थिति है, खड़े रह करे प्रार्थना करे, जूम के बोले, पूरी मस्ती से इस प्रार्थना में उतरे, प्राप्त करे स्वागत की शक्ति, अनुसरण करे। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे शुक्रवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे शुक्रवार का।
हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। आंखों को बंद कर दे, आंखों को बंद कर दे, अनुभूति करे, अनुभूति करे खड़े रहकर। चुके नहीं, ये क्षण चुके नहीं। आपका संपर्क सूर्य के साथ भी, आपका संपर्क नई ताजी हवाओं के साथ भी, आपका संपर्क नए शुक्रवार से, आपका संपर्क धर्म के साथ, जीवन के मार्गदर्शन के साथ आपका संपर्क हो रहा है। चुके नहीं ये क्षण। दिस इज नॉट द मैकेनिकल प्रोसेस। मैं आपके हृदय को जगा रहा हूं। जैसे जैसे हृदय की शक्ति प्रकट होती जाएगी, आप इस प्रार्थना की गहराई को छूते जाओगे। अनुभूति करो स्वागत, स्वागत अज्ञात का स्वागत प्रकट हो रहा है। शुक्रवार अज्ञात, हम कुछ नहीं जानते। 9 बजे क्या होगा, 10 बजे क्या होगा, 11 बजे क्या होगा, 12 बजे क्या होगा, अज्ञात। शुक्रवार ही अज्ञात है चलो हमारे लिए। अनुभव करो स्वागत, प्रार्थना की असर प्राप्त करो। अज्ञात के साथ संपर्क बनाओ। अब अगर बैठना चाहो तो बैठ जाए, खड़े रहना चाहो जो आपकी मर्जी, जिसमें आपको अच्छा लगे। शुक्रवार को परम संपदा के साथ जीना है। मैं मेरे शिष्य को ऐसा कहता हूं कि जब भी मैं बाहर आता हूं, जो करता हूं, आप उसकी अगर आप प्रकट कर सको तो उसे प्रकट करो। जैसे कि मैं गाता हूं, बोलता हूं, बांसुरी बजाता हूं, उसे प्रकट करो। क्या उद्देश्य है मेरा, मैं क्या दिखाना चाहता हूं तुम लोगों को। आज का शुक्रवार आप कैसे बिताओगे? चलो मैं आज का शुक्रवार मैं किस उत्सव के साथ बिताऊंगा, दिव्यवाणी समाप्त करके थोड़ी चाय पीऊंगा, आधा कप। बहुत स्ट्रांग नहीं, लेकिन जो अवेलेबल होगी, क्योंकि मेरे शिष्यों ने 6 बजे बनाई है। लेकिन मैं कहता हूं मुझे ताजी मत देना, मुझे वासी चाय थोड़ी आधा कप दे देना बस, ताकि मेरा कंठ ठीक हो जाए, लोभ। उसके बाद आज आपके लिए सुपर डुपर हिट जो कांका की केम शो, सुपर डुपर हिट फिल्म मेरी, तो आनंद तो होगा ही। आपके लिए बनाई थी और आप सब लोगों ने मेरी फिल्म को स्वीकार किया, तो उसका आनंद। आज मैं उसका दूसरा भाग आपको काकी से फिल से मिलवाता हूं, दूसरा भाग कांका की केम शो। मुझे कुछ ऐसे मैसेज आते हैं कि आप हिंदी में फिल्म बनाओ ना गुजराती में, आप क्या बोलते हो हम समझ नहीं सकते। तुम समझना, इसको मन से देखना ही मत, मन को इसमें आने ही नहीं देना। खाली आप आंख से मेरा चेहरा देखना और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं आपके कान में जाने दो। इसमें कुछ भी समझना नहीं है आपको, कुछ भी समझना नहीं है, बराबर। ये फिल्म को देखने का तरीका, ये स्पिरिचुअल फिल्म है। आप लोगों ने अभी तक इतनी नकली फिल्में देखी है, नकली फिल्में 500,000 रुपया बालकनी की टिकट, नॉट अ सिंगल पाई यू हैव टू पे फॉर माय फिल्म। और आप देखते जाओ मेरी सुपर डुप, एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं जाएगी। ऐसा अद्भुत रहस्य मेरे पास जो मैं आपको देना चाहता हूं, देखना आप चुकना नहीं। फिल्म का नाम है कांका की केम शो, दूसरा भाग कल रिलीज हो गया फर्स्ट भाग। हीरो भी मैं और काकी भी मैं, दोनों में ही रोल कर रहा हूं। डायरेक्शन भी मेरा, म्यूजिक में अटहास्य हास्य नेचुरल। कल मेरे शिष्यों ने क्या किया, अपना हास्य बंद कर दिया। मैंने कहा ये तो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। मैं तुम्हें नई स्टाइल देता हूं जीवन की, आप देखते जाओ।
और मैं आपको पूछता जाऊंगा कि ये सब करने का कारण क्या, बताता जाऊंगा। सब कुछ एक दिन में नहीं बताऊंगा, नहीं तो कल आप मुझे सुनोगे नहीं। चलो, इसके बाद मैं सब शिष्यों को लेकर चला जाऊंगा। ये फिल्म भी मेरी नीम के वृक्ष के नीचे, आज के तीन जो प्रक्रिया है मेरी, अब मैं शिष्यों को लेकर जाऊंगा नीम के वृक्ष के नीचे। सब बैठो नीम के वृक्ष के नीचे, इतना सुंदर वृक्ष। और ये वो वृक्ष है, जब मैं यहाँ आया आज से 14 साल पहले, ये वृक्ष गिरने को था और आदिवासी बच्चों ने मुझे कहा, मैंने उन लोगों को कहा ये वृक्ष को हमें बचाना है। उन लोगों ने वृक्ष को, हमने इस तरह से अरेंज किया सारा पर्वत, वो वृक्ष बच गया। आज की तीनों तीन प्रक्रिया, काकी की फिल्म भी उधर, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा एक माता जी की अद्भुत प्रार्थना। प्रार्थना है सदा पाल, खाली सुनना, खाली सुनना, क्योंकि फिल्मों के नकली गाने सुन सुन, पार्टियों के गाने सुन सुन के आपके कान ऐसे हो गए कि पवित्र संगीत साहित्य शब्द आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप वो नहीं, आप सुनोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और देखो ये प्रार्थना आपके जीवन में क्या बदलाव लाती है, क्या उठाती है आपको जीवन को। रचना ऐसी है, सदा पालय सार साक्षी समान रहित मोहनाही, सदा पालय। क्या है अर्थ है इसका, अगर आप मुझे पूछो मेरा जवाब है पता नहीं। क्या जरूरी है शब्द, सब शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए? चलो कुकलू मेरी भाषा जानते हैं, मैं आपको ऐसा कहूं, मैं कुकलू कुकवेज कैसे प्यार करता हूं समझ लो। आलीशान है, आलीशान का मुख मेरे पास रखता हूं, फिर उसके कान में करता हूं, आलीशान आलीशान मने न गमे, आलीशान मने न गमे आलीशान, अर्थात मुझे आलीशान पसंद नहीं, ऐसा मैं उसके मुख में कहता हूं। फिर मैं उसका चेहरा देखता हूं, वही प्रेम, मेरे हृदय से प्रेम आ रहा है, लेकिन शब्द मैंने कहा कि मुझे तू पसंद नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, हृदय से तो प्रेम ही आ रहा है। शब्दों को पकड़ना ही नहीं है। अब आप आगे का जीवन, मैं तो आपको नहीं कहता, जहां ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की क्षमता समाप्त होती है, उसके बाद 10 कदम के बाद मेरी यूनिवर्सिटी प्रारंभ होती है, जहां पर आपको मन को विश्राम देना है। ये सारी यूनिवर्सिटियां आउट ऑफ डेट, मन को विश्राम दो। कितना आप पढ़ोगे जानोगे, जीवन का कुछ समय तो ऐसा रखोगे, बस बेटा बहुत हो गया, अब मैं शब्दों से कुछ भी जानना नहीं चाहता। तो ये मेरी प्रार्थना आपके लिए, और आज मैं बांसुरी पर बजाऊंगा। रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो आन मिलो सजना 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 सजना। बांसुरी पर वही वृक्ष के नीचे सब शिष्यों के साथ। नेम ऑफ द फिल्म इज आन मिलो सजना, स्टारिंग राजेश खन्ना एंड आशा पारेख, विनोद खन्ना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। क्यों नाम ले रहा हूं इन लोगों का, आध्यात्मिक रहस्य बताता जाता हूं, लेकिन अभी आप खाली सुनते जाना कि मैं इन लोगों का नाम ले रहा हूं, कि आपको क्या जानने की जरूरत, क्या फिल्म थी, कौन हीरो था हीरोइन थी, लेकिन आप मेरे रिसीविंग टावर भी हो, डिस्ट्रीब्यूटिंग टावर भी हो, मैं आपको बताता जाता हूं इसके रहस्य। सब तो एक साथ बता नहीं सकता मित्रों, आप कल आओगे नहीं, सुबह में आना और सुनना। टू मच डिफिकल्ट, दिस इज टू मच डिफिकल्ट। इसके बाद मैं सारे शिष्यों को लेकर 1 किलोमीटर का राउंड लगाऊंगा, जिसमें मैं कुकलू को बिना घी की रोटी खिलाऊंगा मेरे हाथ। शिष्यों को भी कहूंगा, जो नए लोग आ रहे हैं मेरे पास, मधु आई है बॉम्बे से, आई है मधु चावला, जूही चावला की, जूही चावला उसकी छोटी बहन, ये उसकी बड़ी बहन मधु चावला आई है, तो मैं उसे कहूंगा तू यहाँ भी रोटी खिला, तेरे घर पर भी खिलाना, यहाँ भी खिला, जहां भी हो तुझे 2 रोटी मिले एक कुकलू के लिए रख लेना। फिर वहां से घोड़ों के पास ले जाऊंगा, सबको कहूंगा चना खिलाओ घोड़ों को,
चना खिलाएंगे, उसके बाद गायों के पास ले जाऊंगा, गुड़ खिलाएंगे गायों को, वहां प्रार्थना भी करेंगे, गायों को सुनाएंगे गायत्री मंत्र अस्तोमा सद्गमय, उसके लिए प्रार्थना करेंगे पूरे अस्तित्व से कि गायों का मांसाहार का अज्ञान समाप्त हो जाए इस पृथ्वी से। ऐसी हमारी भावना प्रार्थना, कोई माने न माने जगत की बात है, लेकिन हमारी भावना हम सब प्रकट करेंगे। फिर वहां से हम सब वापिस लौटेंगे, सब चाय पियेंगे साथ में बैठकर, मनुष्य का मनुष्य से मिलना और चाय एक कप, मैं दो पीऊंगा, गुरु हूं, बाकी शिष्यों को एक एक कप, और हाँ यस मैं बादाम बांटूंगा आज, आज भी देखो मेरे पास बादाम आ गई, अभी मेरा ड्राई फ्रूट खुटा नहीं, जिस दिन खुटेगा मैं आपको कहूंगा कि आज खुट गया, मैंने ड्राई फ्रूट नहीं बांटूंगा आज, लेकिन आज मेरे पास है, मैं बादाम बांटूंगा, क्योंकि आप सब मेरे हो, मैं आपका अद्भुत स्वास्थ्य देखना चाहता हूं, आपके भीतर एक भी अननेसेसरी गोली नहीं जानी चाहिए। ड्राई फ्रूट की कमी क्या है, हम थोड़े गरीब है, ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट खाना है और कितना खाएंगे, चलो ड्राई फ्रूट थोड़ा मुट्ठी भर के खाना है, ड्राई फ्रूट इस तरह से नहीं खाया जाता, विटामिन की गोलियां, आप थोड़ी मुट्ठी भर के विटामिन ए की गोलियां खाते हो, इस तरह से ड्राई फ्रूट। सब बैठेंगे, मैं पूछूंगा सब जो नए नए आए हैं, कैसा लग रहा है प्रसाद आपको, क्या तकलीफ है, जो पुराने शिष्य है उसे मैं पूछता हूँ क्या तकलीफ है, कोई कहता नहीं, क्योंकि उसे पता है गुरुजी कुछ सॉल्व करने वाले नहीं, खाली बुलवाते हैं हमसे, लेकिन जो नए नए हैं अभी मेरी इंप्रेशन अच्छी है, वो कहेंगे ये हो रहा है वो, ठीक है मैं कहता हूँ सब सॉल्व कर देता हूँ। इसके बाद मेरी लिफ्ट है, अब मैं लेटेस्ट फैशन में रहता हूँ, लिफ्ट में जाऊंगा मेरे ज्योतिर्मय निवास में, बहुत हो गया अब शिष्यों के साथ, अब मुझे संपर्क करना है ऊपर के 8 लोग के साथ, तो मैं चला जाऊंगा मेरे ज्योतिर्मय जगत में, ज्योतिर्मय निवास स्थान में, वहां फिर मैं टब बात लूंगा, और अब तो मेरे पास सोना बात भी आ गया, एक शिष्य ने मुझे भेंट किया सोना बात, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नहीं तो ये सारे इनकम टैक्स वाले मुझे सुनते हैं कि कहां कहां से ये संपदा आ रही है और कौन कौन इसमें शामिल है, इसके पास कितनी संपदा है, उन लोगों को भी बचाना है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सोना बात मेरा हो गया, तो आज मैं 1 घंटा उसमें बैठूंगा, देखो तो सही क्या होता है सोना बात में, जीता हूं मर जाता हूं। इसके बाद मैं लेट जाऊंगा, मेरे पास टब है, झकाझकी टब, जगत का एक ही मात्र टब वो मेरे पास है, अभी ये लेटेस्ट डिजाइन किसी के पास नहीं, उसमें मैं लेट जाऊंगा 1 घंटा आराम करूंगा, भोजन भी लूंगा शांति से, मैं स्मरण करूंगा कि मैंने मेरे शिष्यों को क्या उपदेश दिया है, पहले मुझे तो देखना चाहिए मैं शांति से भोजन ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। इसके बाद विश्राम करूंगा, 1 घंटा आराम से मेरे बिस्तर पर लेट जाऊंगा, फिर शाम की तैयारी, आज मैं आपको समक्ष अद्भुत नृत्य रचना प्रकट कर रहा हूं, शिवरंजनी राग में निबद्ध, और ये प्रार्थना महाकाली की प्रार्थना है, और उसे पूरा न्याय देने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे पास केवल 30 मिनट है सजने की, जब आप मेरा श्रृंगार देखो ठीक से समझना, मैं 30 मिनट में मुझे ये श्रृंगार कर लेना पड़ता है, मैं बहुत ही किसी की मदद नहीं लेता, ऐसा होता है कि मैं पीछे जो गांठ लगानी है वो लगा नहीं पाता, इसके लिए मैं शिष्य को कहता हूं कि ये मेरे पीछे की जो गांठ है आप थोड़ी लगा दो, और इसके बाद मैं आपके समक्ष प्रकट करूंगा नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, मैं आपको परिचित करना चाहता हूं, ये शब्द दब गया, खाली इंग्लिश ही इसकी रहेगी, इंग्लिश रहेगी कॉस्मिक डांस, हमें ऐसा लगता है कि कॉस्मिक डांस की भेंट खाली शिव भगवान को ही मिली थी, बाकी हम तो उसके लायक ही नहीं, आप अपरिचित हो, कॉस्मिक डांस नटरा तुम्हारे भीतर, चलो तुम मानो न मानो, शिव तुम्हारे भीतर, तुम मानो न मानो, कृष्ण तुम्हारे भीतर, मीरा तुम्हारे भीतर, तुम मानो न मानो, चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे भीतर, नारद तुम्हारे भीतर, मैंने देखा है मेरा हृदय, वही तो आपको बता रहा हूं, कॉस्मिक डांस का अर्थ समझना, सहज नृत्य जो आपसे प्रकट हो, कोई तैयारी नहीं, तुमने तैयारी की नृत्य की, तुम्हारा नृत्य लौकिक नृत्य, तुमने गायन तैयार किया लौकिक गायन, तुमने संगीत तैयार किया लौकिक संगीत, अलौकिक संगीत गीत नृत्य समझो अलौकिक, विस्तार का गीत
विस्तार का नृत्य। ऐसा समझो कोई है ही नहीं तुम्हें देखने वाला, तुम्हें क्या डर होगा। ऐसा समझो कि पूरे जगत में तुम एक ही हो और तुम नृत्य कर रहे हो। चलो तुम्हें क्या भय चिंता, कौन क्या कहेगा, स्टेप ठीक है नहीं है। मैं इससे ऊपर उठाना चाहता हूं। इतने सारे आर्टिस्ट है इस पृथ्वी पर और इतना दुख, मनुष्य को नींद नहीं आ रही है, नींद की पिल्स लेनी पड़ती है। इतने सारे कलाकार, इतने सारे गली गली में कलाकार, गली गली आप सब कलाकार। आपको पता नहीं आपके हृदय में गायन भी है, बजाना भी है, नृत्य भी है। अगर वो न होता आपको गायन अच्छा लगता? आपको बांसुरी अच्छी लगती, वीणा अच्छी लगती, गिटार अच्छी लगती, पियानो अच्छा लगता? अगर आपके हृदय में होता ही नहीं संगीत, नृत्य अच्छा लगता? अब मैं आज मैं बताता हूँ काली का नृत्य। देखे आप क्या अनुभव करते हो। कहूंगा नहीं सब कुछ, क्योंकि मैं कुछ भी थोपना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा स्वभाव प्रकट करवाना चाहता हूँ, स्वभाव। मैं आज की दिनचर्या मेरी बताता हूँ। इसका आप ये मानते हो कि मैं ऐसा कहता हूं जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा तुम करो, ना जरा भी नहीं। तुम्हारी सहजता कि तुम तुम्हारा शुक्रवार किस तरह से मनाओगे। मैं तुम्हें दृष्टिकोण देता हूं, समृद्ध, समृद्ध भी नहीं, महासमृद्ध जीवन जीने का दृष्टिकोण। चलो तुम क्या मानते हो मेरी बैंक बैलेंस कितनी होगी? तुम क्या मानते हो मेरे पास कितने कागजात हो, कितनी संपदा के कागजात होंगे, कितनी संपदा होगी, गाड़ी बंगला फ्लैट, कितनी संपदा होगी मेरे पास? मेरे पास इतना अद्भुत टॉयलेट है आज तक इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं। आज तक मेरे टॉयलेट की दोनों खिड़कियों से पर्वत दिखते हैं। मैं टॉयलेट में बैठे बैठे वृक्षों के साथ संपर्क करता हूं, आपको पता भी नहीं, आपके साथ भी करता हूं टॉयलेट में बैठे बैठे, क्योंकि इतना आरामदायक टॉयलेट। मैं कहीं भी जाता हूं मुझे इस टॉयलेट की याद आती है, तीसरा मंजिला और मेरा टॉयलेट। ऐसा टॉयलेट आज तक इस जगत में ना बना ना बनेगा। चलो चैलेंज मेरी आपसे, आप बनाओगे कहाँ? शहरों में तो फ्लैट दिखेंगे, आप कितने ही बड़े रईस हो, आपका टॉयलेट बनाओगे आपको वो पर्दे डालने पड़ेंगे। मेरे पास पर्दे नहीं है, क्योंकि दोनों और प्रकृति। ये मैं सारी बातें किस लिए कह रहा हूं, मेरी बैंक बैलेंस नील। चलो मैं टैक्स वालों की राह देखता हूं कि आओ आपको कवर रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत है, गुरु का दर्शन आप बिना भेंट नहीं कर सकते। गुरु के चरणों में कुछ ना कुछ रखना ही पड़ता है। अगर आप मानते हो भारत को, गुरु को, तो आपको प्रणाम भी कर, इसलिए आते ही नहीं अच्छा ही है, अच्छा ही है। मुझे ऐसे वैसे लोगों के साथ बातें करनी, ये वो टाइम बिगाड़ना, मेरे पास कितना काम पड़ा है परम संपदा को बांटने का। ज्योतिर्मय आठ जगत कब समझाऊंगा मैं तुम्हें? तुम अपना नेचुरल जो है स्वभाव कि तुम किस तरह से शुक्रवार को मनाओगे, ये मेरा दृष्टिकोण है। मैं हर इंसान को परम संपदा से भरना चाहता हूं, इंटेंशन। चलो आप अगर पूछो मुझे मैं किस लिए जिंदा हूं इस पृथ्वी पर, सब मनुष्य को मैं परम संपदा की समझ देना चाहता हूं। मैं पूरा बताऊंगा कि क्यों मैंने, मेरे पास मोबाइल नहीं, चलो तुम मानोगे मुझे मोबाइल ऑपरेट करना भी नहीं आता, और जरूरत भी नहीं, मुझे कुछ जरूरत भी नहीं, ना मेरे पास मोबाइल है, ना कार है, ना फ्लैट है, ना खेतर है, ना वाड़ी है, जिसे तुम कहते हो लौकिक संपदा, इसमें से कुछ भी नहीं। और मैं इसे भी पकड़ा नहीं, जब कभी यहाँ शिष्यों ने कह दिया कि अब हम और गुरु को यहाँ बिठाना चाहते हैं, वो अपना वाक्य पूरा करेंगे, इससे पहले मैं डूंगर की ओर, पर्वत की ओर। आज का ये पवित्र शुक्रवार इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर, सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना।